नमस्कार, मैं अनुज तिवारी परीक्षा प्लस की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। हालांकि एक प्रॉब्लम भी है कि आपका लेखपाल का पेपर पोस्टपोन कर दिया गया है, तो मैं समझ सकता हूँ कि जो मन में बहुत सारे थॉट्स होंगे वो आपके जनरेट हो रहे होंगे और बहुत ही भला बुरा भी आपके लिए मन से निकल रहा होगा कमीशन के लिए। हालांकि ये कोई एक नई प्रक्रिया नहीं है जो आप पहली बार सामना कर रहे हैं, आप इस प्रोसेस से रूबरू हो रहे हैं। ये तो एक आदत सी हो गई है हमारी कंपटीशन में कि कंपटीशन में दो चरण बढ़ गए हैं। पहला एक एग्ज़ाम, जैसे कल से एक स्टेटस बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा है, आपने भी देखा होगा कि एक कमीशन का नाम लिया जा रहा है। वो कहा जा रहा है कि उस कमीशन में सिर्फ दो लोग हैं, एक तो एग्ज़ाम की डेट बताता है, दूसरा उस डेट के एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर देता है, बस बाकी और उस कमीशन में कोई है नहीं। ऐसा कौन सा कमीशन है? आप सबको पता है नाम लेना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ठीक। सो चीज़ों को समझिएगा, कोई नहीं, पोस्टपोन हो गया है, क्या कर सकते हैं। फिर भी हमारा काम है तैयारी करना और हम उसी जोश और जुनून के साथ अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है। सो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे सिचुएशंस में मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ, पेपर पोस्टपोन है, मूड वैसे ही आपका ऑफ है, बट कर क्या सकते हैं। देखिए हमारा काम है आगे बढ़ना। देखिए गिरकर उठना, उठकर गिरना, ये हमारे जीवन में लगा रहेगा, ठीक है। सो एग्ज़ाम्स हैं या नहीं हैं, आते रहेंगे, जो हैं जैसे भी हैं, हमें अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना है। आज नहीं तो कल वो एग्ज़ाम्स तो कंडक्ट होने ही हैं, ठीक है। सो हम आज के टॉपिक को डिस्कशन करते हैं। बेसिकली आज का जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो हमारा यूनियन बजट है। जैसे कि मैंने आपको उससे पहले भी बताया था कि आने वाले टाइम में हम अपना यूनियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे को कवर करेंगे। इससे पहले आपने देखा तो हमने अब तक फॉरेस्ट रिपोर्ट और उत्तर प्रदेश बजट, इन दोनों को मैंने अब तक डिलीवर कर दिया है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने देख भी लिया होगा। और अगर नहीं भी देखा है तो एक बार आप जाकर उसे देख सकते हैं, क्योंकि पेपर तो पोस्टपोन्ड हो गया है। जैसा कि मुझे लगता है कि जो आपका पेपर था ये 19 जून को था, ठीक। अब पेपर तो पोस्टपोन्ड हो गया है, आज पेपर पोस्टपोन्ड कल हुआ है। अगर मैं कल की बात करूँ तो पेपर के डेट में देखेंगे ना तो 20 दिन का अभी भी टाइम था आपके पास। अब फर्क ये पड़ता है कि क्या इन 20 दिनों में जो पेपर प्रिंट होना था वो पेपर प्रिंट हो गए होंगे या नहीं, ठीक। क्योंकि जनरली क्या होता है कि 20 दिन से पहले पेपर प्रिंट होने के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि एक लंबा प्रोसेस होता है पेपर प्रिंट करने में। अब ये देखना है कि पेपर प्रिंट हुआ है या नहीं। अगर पेपर प्रिंट हो गया होगा तो समझिए कि आप दो चीज से बच जाएंगे, एक तो एक महीने का करंट अफेयर, एक मंथ का, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि आप यूपी बजट, इन दोनों से आप बच जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो यकीन मानिए कि प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी यूपी बजट को पूछने के लिए, ठीक है। सो इन चीज़ों को आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। आज का जो टॉपिक है वो हम यूनियन बजट है और हम अपने यूनियन बजट को एक बार देखने की कोशिश करेंगे कि यूनियन बजट में किन किन चीज़ों को रखा जाता है, ठीक है। देखिए बजट शब्द जब भी आप सुनते हैं, ठीक है, बजट, तो बजट शब्द हमारे, देखिए बजट में दो चीजों को मैं एक बार आपको रिकॉल कर दूं कि बजट में हम दो चीजों को लेंगे। एक तो ट्रेडिशनल, जो कि बजट से रिलेटेड है। आप देखेंगे तो बजट से ट्रेडिशनल चीजों में, जैसे बजट क्या होता है, कहाँ मेंशन किया गया है, बजट से कुछ रिलेटेड जो ट्रेडिशनल चीज़ें पूछी जाती हैं, एक बार शॉर्ट टर्म में हम उन्हें देख लेंगे। इसके बाद जो हमारा बजट है वो हम बजट को एक एक पॉइंट को देख लेंगे। और इनकी इसके जो पीडीएफ है वो पीडीएफ ऑलरेडी मैं आपने टेली परीक्षा प्लस के टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करा दिया है, आप वहां जाके उसे देख भी सकते हैं। और उन्हीं का कुछ की पॉइंट है, जो की पॉइंट ऑलरेडी मैं आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं इन बजट का सोर्स आपसे बताना चाहूँ तो सोर्स वही है जो आपका सोर्स है, वही मेरा भी सोर्स है। आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पे विजिट करिए, वहां पे चीजें आपको मिल जाएंगी। अदरवाइज आप पीआईबी पे विजिट करेंगे तो पीआईबी पे भी समराइज फॉर्म में आपको बजट की सारी चीजें मिल जाएंगी। वहीं से ये चीजें उठाई गई हैं, उन्हीं का एनालिसिस के बाद में आप तक चीजों को डिलीवर करने का कोशिश किया गया है, ठीक है। सो ये चीजें, अगर मैं बात करूं बजट की, तो बजट शब्द का उल्लेख कहीं भी हमारे संविधान में नहीं किया गया है, ठीक है।
हमारे संविधान में कहीं भी नहीं है जो बजट शब्द का उल्लेख है। अगर मैं बात करूं बजट की, तो बजट शब्द का उल्लेख भाग 5 में किया गया है, और अगर मैं आर्टिकल की बात करूं तो आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण क्या कहा गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से आपके आर्टिकल 112 में बजट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये चीजें कुछ कॉन्सेप्ट की हैं, ये चीजें आप देख लीजिए। इसी के साथ में अगर मैं बात करूं बजट की, तो बजट में और क्या चीजें आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले अगर मैं बजट की कुछ चीजों को और बात करूं, तो ये चीजें आपने देखा। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि बजट को प्रस्तुत कौन करता है, इसके प्रस्तुतिकरण को लेके एक बार हम देख लेते हैं। ठीक, देखिए बजट में कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि बजट को कब, कहां और कैसे प्रस्तुत किया जाएगा, उसका टाइम क्या होगा। ठीक, ये संसदीय प्रचलन के माध्यम से बजट को प्रस्तुत करने का काम किया जाता है। अगर मैं बात करूं, पहले जो बजट सबसे पहले प्रेजेंट किया जाता था 2001 से पहले, ये पहला प्रेजेंट किया जाता 2000 से एक से पहले शाम 5 बजे। ठीक, इसके बाद में जब 2001 में फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक, भाजपा की सरकार थी, मैं एक बार लिख दे रहा हूं। ठीक, यशवंत सिन्हा साहब थे। ठीक, जब यशवंत सिन्हा साहब थे तो इन्होंने चेंजिंग्स किया और इन्होंने कहा कि जो बजट शाम को प्रेजेंट किया जा रहा है, अब वो 11 बजे सुबह प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक, एएम। ये हो गया प्रस्तुतिकरण को लेके। इसके बाद में आप देखेंगे कि जब 11 बजे, फिर आप देखेंगे कि 2017 में हमारे यहाँ बजट में 3 परिवर्तन किए गए। उन 3 परिवर्तन की अगर मैं बात करूँ, तो पहला जो परिवर्तन किया गया था वो रेल बजट प्लस आम बजट का विलय कर दिया गया। अभी मैं थोड़ा और चर्चा कर दूंगा। वहीं पे अगर मैं नंबर 2 की बात करूं, तो गैर नियोजित व्यय और नियोजित व्यय, इसे समाप्त कर दिया गया। क्यों किया गया, अभी मैं बात कर लूंगा। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट था, ये कहा गया कि जो बजट फरवरी माह के लास्ट में होता था, ये कहा गया कि अब लास्ट में नहीं, ये फरवरी माह के 1 तारीख को किया जाएगा। ठीक, तो ये 3 चीज़ें आप देखेंगे। अगर मैं थोड़ा सा गौर करूं, आप डालूं आपके रेल बजट और आम बजट के विलय पे, तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो 1924 में एकवर्थ समिति, 1924 में एकवर्थ समिति के सुझाव पर आप देखेंगे तो रेल बजट को आम बजट से विलय कर दिया गया था। अगर मैं वहीं पे बात करूं 2016 में, तो 2017 में, तो 2017 में विवेक देवराय समिति की सिफारिशों के सुझाव पे रेल बजट का आम बजट में विलय कर दिया गया। एक चीज है ये। दूसरी चीज मैंने आपको बताया कि नियोजित एवं गैर नियोजित व्यय को समाप्त कर दिया गया। रीजन है कि गैर नियोजित एवं गैर नियोजित व्यय को इसलिए समाप्त कर दिया गया क्योंकि बेसिकली हमारे यहाँ जो पंचवर्षीय योजनाएं चल रही थी, पंचवर्षीय योजनाओं को ही आप देखेंगे, जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी ये 2017 में समाप्त कर दिया गया। और इसी के स्थान पे आप देखेंगे तो नीति आयोग का गठन किया गया। जब पंचवर्षीय योजनाएं ही नहीं रही, तो योजनागत एवं गैर योजनागत व्यय को समाप्त कर दिया गया। वहीं पे आप देखेंगे तो जो बजट था, बजट जो फरवरी माह के लास्ट में प्रेजेंट किया जाता था, अब वो फरवरी माह के 1 तारीख को प्रेजेंट किया जाने लगा। सो ये कुछ चीजें थी बजट के प्रस्तुतिकरण को लेके। इसके साथ ही आप देखेंगे कुछ चीजें और, तो बजट सबसे पहले जो प्रस्तुत किया गया था 1861 में, ठीक, जेम्स विल्सन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसके साथ ही में आप देखेंगे बजट, तो स्वतंत्र भारत की मैं बात करूं तो षणमुखम चेट्टी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। ठीक, इसके बाद में बात करूं सबसे ज्यादा बजट को प्रस्तुत करने का जो रिकॉर्ड है वो 10 बार आप देखेंगे कि 10 बार जो हमारे यहां बजट को प्रस्तुतिकरण करने का रिकॉर्ड है,
इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखेंगे कि प्रस्तुतिकरण को लेके कैसे होता है। ठीक है, देखिए बजट में कुछ चीजें आपको और थोड़ा मैं एक बार कंफर्म कर देता हूं। जब आप बजट देखेंगे अभी आगे, तो बजट में दो चीजें बहुत ध्यान देंगी आपको मिलेंगी। पहला चीज मिलेगा व्यय और दूसरा मिलेगा प्राप्ति। प्राप्ति, अगर व्यय की मैं बात करूं तो व्यय में है राजस्व व्यय, और एक मिलेगा आपको पूंजीगत व्यय। और अगर प्राप्तियों की मैं बात करूं तो प्राप्तियों में ही आपको मिलेगा एक पूंजीगत प्राप्ति और यहीं पे मिलेगा राजस्व प्राप्ति। राजस्व प्राप्ति, ठीक। क्या होता है, एक बार मैं आपको रिकॉल कर दे रहा हूं। देखिए प्राप्तियों का मतलब यह होता है कि सरकार अपने खर्चों को पूरा करने के लिए कौन कौन से रिसोर्सेस हैं जहां से वो फंड को रेज करती है। अगर मैं राजस्व प्राप्ति की बात करूं तो राजस्व प्राप्ति में खास कर आ जाता है आपका टैक्स यानी कर, ठीक। कर और गैर कर, ये दोनों प्राप्तियां आ जाते हैं, ठीक। कर को आपको पता है कि सरकार का GST है, इनकम टैक्स है, उसके बाद में आया इनकम टैक्स के साथ आप देखेंगे कि कॉर्पोरेट टैक्स है, ये सारा आपका टैक्सेशन में आ जाता है। और गैर टैक्स की अगर मैं बात करूं तो गैर टैक्स में आप देखेंगे कि जैसे कोई जुर्माना है, जुर्माना ये भी आपका गैर टैक्स में आ जाता है। अगर कोई स्टैंप ड्यूटी है वो भी आपका नॉन टैक्स में आ जाता है, ठीक है। इसके साथ में अगर मैं पूंजीगत की बात करूं तो पूंजीगत में आप देखेंगे जैसे डिसइन्वेस्टमेंट, बेसिकली पूंजीगत में चार चीजों को शामिल किया जाता है। इसके आगे जब हम अपनी इकोनॉमी की सीरीज लेंगे तो उसमें ऑलरेडी मैं इन सारी चीजों को कवर कर दूंगा। बस एक बार मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी जैसे ही मैं आगे बजट पे आऊंगा ना, आपको बताऊंगा कि सरकार का कुल खर्चा इतना है, प्राप्तियां इतना है, राजस्व व्यय इतना है, पूंजीगत व्यय इतना है, प्राप्तियां इतना है, पूंजीगत प्राप्तियां इतना है, तो चीजें आपको थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट करेंगी, इसलिए इन चीजों को समझिएगा। वही व्यय की मैं बात करूं तो राजस्व व्यय का मतलब होता है कि सरकार अपने दैनिक खर्चों को पूरा करने के लिए जो पैसे खर्च करती है उसे राजस्व व्यय में शामिल करते हैं। अब अगर मैं पूंजीगत व्यय की बात करूं तो पूंजीगत व्यय का मतलब जैसे कि सरकार कोई हॉस्पिटल के निर्माण में बना दे, इसके साथ में आप कोई सड़क बना दे, इसी के साथ में कोई ब्रिज का निर्माण कर दे, इसी के साथ में आप देखेंगे कोई डैम बना दे। देखिए दोनों के व्यय में बेसिक सिर्फ इतना सा अंतर है पूंजीगत और राजस्व में कि पूंजीगत प्राप्त जो पूंजीगत व्यय है ये आपकी लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ाता है, आपके एसेट्स को बढ़ाता है, लेकिन आप देखेंगे राजस्व व्यय आपके एसेट्स को नहीं बढ़ाता। वैसे अगर मैं बात करूं पूंजीगत प्राप्तियों की तो अगर पूंजीगत प्राप्ति आप करते हैं तो पूंजीगत प्राप्ति क्या डिसइन्वेस्टमेंट, और डिसइन्वेस्टमेंट में आप अपने संसाधनों की बेचते हैं, उनकी बिकवाली करते हैं, तो ऐसे में आप देखेंगे कि जो आपकी लाइबिलिटीज हैं वो बढ़ती हैं, आपकी जो एसेट्स हैं वो कम हो जाते हैं। सेम है जब आप राजस्व प्राप्ति देखते हैं कि राजस्व प्राप्तियों में भी सेम सिचुएशन आपको देखने को मिलता है। गोल्डन बजट तो ये कहता है कि सरकार को अपने राजस्व व्यय को कम करने चाहिए और पूंजीगत व्यय को बढ़ाने चाहिए, ठीक। ये थोड़ा और डिटेल में हम आगे देख लेंगे, ठीक है। इसी के बाद में अगर मैं बात करूं तो इसमें कुछ चीजें आपको और मिलेंगी। जब भी बजट प्रस्तुत किया जाता है तो उसमें तीन डेटा आपको मिलता है। बजट में जब आप पढ़ते हैं तो बजट में आपको तीन डेटा निकल के आता है। पहला निकल के आता है वास्तविक आंकड़ा, संशोधित आंकड़ा, इसी के साथ में आप देखेंगे तो अनुमानित आंकड़ा। ठीक है, क्या होता है एक बार देख लीजिएगा। अनुमानित आंकड़ा आपका प्रेजेंट ईयर यानी जो आने वाला ईयर है वो होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं वर्तमान में तो 2022 और 23 ये आपका अनुमानित आंकड़ा है। अगर मैं संशोधित आंकड़े की बात करूं तो संशोधित आंकड़े में 2021 और 2022, और अगर मैं वास्तविक डेटा की बात करूं तो 2020 और 2021। कुछ ऐसे समझिएगा, एक शॉर्ट टर्म में मैं बता रहा हूं इनको समझने का। सपोज दैट जैसे हम बाहर पढ़ाई कर रहे हैं और बाहर पढ़ाई करने के दौरान पूरे एक महीने का खर्चा हमें घर से लेना होता है। सपोज दैट मान लीजिए कि पिताजी से हमने कहा कि पिताजी इस पूरे महीने का खर्चा मेरा 10,000 रुपये है, तो ये 10,000 क्या है जो आपने कहा कि मेरा जो पूरा महीने का खर्चा है ये जैसे ये जून चल रहा है तो आपने कहा कि जो जून है ये जून का जो खर्चा है आपका 10,000 रुपये ये लगेगा।
मतलब ये अनुमानित है, क्या है, अनुमानित है, संशोधित नहीं है, वास्तविक नहीं, सिर्फ अनुमान के आधार पर है कि आपने कहा कि पिताजी मुझे 3000 रुपए रूम रेंट देने हैं, 2000 कोचिंग की फीस देनी है, 2000 के मेरे कॉपी किताब हो जाएंगे और 2-3000 रुपए महीने के मेरे एक्सपेंस हो जाएंगे। आपने अनुमान के आधार पर बता दिया कि 10000 लगेगा। सरकार भी यही करती है कि वो भी अपने बजट का अनुमान लगाती है कि इस वर्ष हम इतना इतना खर्चा करने वाले हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ये आपने किया, लेकिन क्या हुआ कि अचानक जून के महीने में ही आपके खर्चे बढ़ गए और 10000 के बजाय आपका हो गया 2000 खर्चा बढ़ गया और अब आपका खर्चा हो गया 12000। ठीक, ये 2000 खर्चा जो बढ़ा है, आपको अंदाजा नहीं था कि 2000 खर्चा कहाँ लगेगा। एग्जाम्पल के तौर पे इसी महीने किसी का जन्मदिन आ गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको गिफ्ट देना, किसका है आपको पता है। ठीक, ये जो 2000 का आपको गिफ्ट देना है, ये पहले से प्लान नहीं था, ये अचानक आ गया आपके लिए। जैसे सरकार के लिए अचानक कोविड आ गया, सरकार उसके लिए प्लान नहीं करके चली थी कि इतना खर्चा हमें यहाँ करना है। ये अचानक जो खर्चे आते हैं, सरकार उसका अनुमान नहीं लगाती, आपको भी नहीं अनुमान था कि इस महीने किसी का बर्थडे है और हमें 2000 का गिफ्ट देना है। तो जब आप इस महीने का बजट फिर से प्रस्तुत करेंगे, जिसे आप इकोनॉमिक सर्वे कहते हैं, तो इकोनॉमिक सर्वे कब कहेंगे, जून के लास्ट में आप अपने पिताजी को बताएंगे कि पापा 10000 के बजाय 12000 रुपए खर्च हो गए हैं, और फिर आप 1 जुलाई को फिर से आप कहेंगे कि पापा इस महीने हमें 11000 रुपए चाहिए, जो कि अनुमानित है। अब देखिए, ये अनुमानित है और जो पिछला महीना था वो संशोधित हो गया, मतलब पहले 10000 था, अब 12000 हो गया। सरकारें भी यही करती हैं कि अंतिम वर्ष का जो डेटा प्रेजेंट करती हैं इकोनॉमिक सर्वे में, ये बताने की कोशिश करती हैं कि हमने कितना अनुमान लगाया था और अनुमान में क्या संशोधन किया गया है। ठीक है, इसी के साथ ही में आप यहां भी देखेंगे, सेम है, जैसे ही होता है, जो प्रेजेंट ईयर है अनुमान होता है, लास्ट ईयर संशोधित आंकड़ा होता है, इसी को इकोनॉमिक सर्वे में आप देखते हैं, और जो लास्ट ईयर होता है सेकेंड लास्ट, वो वास्तविक आंकड़ा होता है कि हाँ इतने खर्चे किए गए हैं, जो अभी बजट में आपको देखने को मिलेगा। ठीक, बजट से रिलेटेड कुछ और भी चीज़ें हैं, लेकिन चूंकि हमारे पास यहाँ उतना टाइम नहीं है कि मैं सारी चीज़ें आपको बताऊं, इकोनॉमी की क्लास में आप ऑलरेडी एक बार देख सकते हैं, इवन नहीं भी है तो किसी दिन जब भी मुझे टाइम मिलता है, ऑलरेडी मैं एक सेशन ट्रेडिशनल बजट की आपके लिए प्रेजेंट कर दूंगा। सो वहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, इवन कुछ पॉइंट्स वो मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि अगर आप अपने इंड से देखना चाहें तो देख सकते हैं। अगर मैं बात करूं बजट की, तो बजट में सबसे पहले आपको देखना होगा धन विधेयक, इसी के साथ में आपको देखना होगा वित्त विधेयक, वित्त विधेयक के साथ ही में आप देखेंगे विनियोग विधेयक, विनियोग विधेयक, इसी के साथ में आप देखेंगे संचित निधि, संचित निधि, संचित निधि के बाद में आप देखेंगे लोक लेखा निधि, और लोक लेखा के साथ में आप देखेंगे आकस्मिक निधि। ठीक, लिटरली मेरे पास इतना टाइम नहीं, अदरवाइज मैं सारी चीजें आपको कवर कर देता। ये आप देखेंगे, इसी के साथ में आप देखेंगे कि बजट जब प्रस्तुत किया जाता है तो यहां पे एक चीज आता है, वोट ऑन अकाउंट यानी लेखा देखेंगे तो वोट ऑन अकाउंट में आप देखेंगे कि जब बजट को प्रस्तुत किया जाता है तो प्रस्तुत करने के बाद ही में सत्रावसान किया जाता है और 2-3 दिन तक उस पर चर्चाएं होती, चर्चाओं के साथ ही आप देखेंगे तो यहीं पे कट मोशन लाया जाता है। ठीक, कट मोशन लाया जाता है, तो कट मोशन में भी आप देखेंगे कि एक है सांकेतिक कटौती, ठीक, एक है नीतिगत कटौती, इसी के साथ में आप सांकेतिक कटौती है, नीतिगत कटौती है, और एक और है। ठीक है, ये तीन कटौतियां हैं जो सामान्यता आपको देखने को मिलता है, आर्थिक कटौती, ठीक, आर्थिक कटौती। अब वहीं पे अगर आप संचित निधि को देखते हैं तो संचित निधि में एक चीज आपके सामने निकल कर आती है कि एक है संचित निधि पर भारित व्यय, संचित निधि पर भारित व्यय, और एक है संचित निधि से किया जाने वाला व्यय, किया जाने वाला व्यय। तो ये दोनों चीजें हैं। अब इतनी चीजें आपको बजट में देखनी पड़ेंगी, अगर इन सारे चीजों को एक बार आप देख लेते हैं तो जाके आप समझिए कि बजट आप समझने के लिए कैपेबल है। एक चीज और अगर मैं बता दूं बजट को प्रस्तुत करने के लिए, तो बेसिकली जो बजट,
अगर मैं बात करूं बजट की, तो हर किसी को पता है कि जो बजट निर्माण का कार्य होता है या वित्त मंत्रालय के अधीन होता है, वित्त मंत्रालय। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि वित्त मंत्रालय के अधीन भी कई मंत्रालय हैं जो बजट निर्माण करने का कार्य करती है। उन मंत्रालयों की अगर मैं बात करूं तो इसी मंत्रालय के सबसे एक मंत्रालय है आर्थिक कार्य विभाग, आर्थिक कार्य विभाग। और आर्थिक कार्य विभाग के भी अंदर एक है बजट प्रभाग, और बजट प्रभाग आपके बजट निर्माण करने का कार्य करती है। अगर मैं वित्त मंत्रालय में कुछ और भी बात करूं तो वित्त मंत्रालय में एक है आपका व्यय विभाग, एक है आपका आय विभाग, एक राजस्व, के बाद में आर्थिक कार्य विभाग, और एक आपका आ जाता है विनियोग विभाग, डिसइन्वेस्टमेंट, एक है आपका डिसइन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट, ठीक। और इसी का नाम चेंज करके अब कर दिया गया है दीपम, ठीक। सो इतनी चीजें आपको जानने लायक थी जो मैंने एक बार आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश किया है। इसके बाद अब हम अपना बजट स्टार्ट कर रहे हैं। बजट में एक तरीके से देखने की कोशिश करेंगे कि बजट में किन किन मुद्दों पे पैसे खर्च करने की कोशिश की गई है, बजट का उद्देश्य क्या रहा है, किसानों के लिए रहा है, उद्योगपतियों के लिए रहा है, इसके साथ ही में आप देखेंगे कि वाणिज्यिक या किसानों के लिए रहा है, आप देखेंगे कि सामाजिक आर्थिक विकास में कितने पैसे खर्च किए गए हैं। इन सारी चीज़ों को बजट में एक बार हम देखने की कोशिश करेंगे और इनका पीडीएफ भी आपको परीक्षा प्लस के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। साथ ही साथ में इसका जो ऑलरेडी बजट पीडीएफ है वो भी परीक्षा प्लस के साइट पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज के की पॉइंट्स को, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बजट की बात करूँ, ऑलरेडी मैंने बजट में बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, ठीक। अगर मैं बात करूं बजट की, तो बजट का जो प्रस्तुतिकरण है वो 1 फरवरी को किया जाता है। अगर मैं इस बजट की बात करूं तो इस बजट में आगामी 25 वर्षों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। मैं आपको बताता हूं, अभी जो हमारा 75वां वर्ष चल रहा है, ये हम आजादी का, ठीक, आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, ठीक। आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है आजादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष में, ठीक है। और सरकार कर रही है कि इन 75 वर्ष के साथ ही में सरकार 25 वर्ष को और आगे देख कर चल रही है और यह कह रही है कि जो हमारा 100 वर्ष होगा आजादी का, वो हमारा अमृत महोत्सव फिर से, मनाने की कोशिश की जाएगी। और इसको सरकार ने कहा है अमृत काल, क्या कहा है, अमृत काल कहा है, ठीक। ये चीजें आप ध्यान दीजिएगा। वहीं सरकार ने कहा है कि 100 वर्षों की जो संकल्पना है सरकार ने बजट में, इसे अमृत काल कहा है, ये चीजें आप ध्यान दीजिएगा। और स्वतंत्रता के 75 वर्ष बाद आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया, ऐसा बजट में आपके कहा गया है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बजट की जो कुछ मुख्य बातें हैं, बजट में किन बातों पे ज्यादा फोकस किया गया है। अगर मैं बात करूं बजट के पिलर की या बजट के स्तंभ की, तो बजट में इन 4 स्तंभों पर टिका माना गया है और इन 4 चीजों पर फोकस करने की कोशिश किया गया है। पहला है पीएम गति शक्ति, समावेशी विकास, उत्पादकता में वृद्धि, निवेश, ऊर्जा परिवर्तन और जलवायु कार्य योजना, निवेशों में का वित्त पोषण। तो इन चीजों को आप देखेंगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पीएम गति शक्ति, ये क्या है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लिहाज से ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से बजट में किन चीजों पर फोकस नहीं किया गया है। 3 पॉइंट इसमें से दे दिया जाएगा, एक कोई एक्स्ट्रा दे दिया जाएगा और आपसे सही आंसर पूछा जाएगा, ठीक है। सो इन चीजों पे आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। क्या चीजें हैं आगे आगे एक एक करके हम देखते हैं। अगर मैं वही बात करूं पीएम गति शक्ति पी, तो पीएम गति शक्ति पर 7 बिंदुओं पर फोकस किया गया है। और ये 7 बिंदु कौन कौन से हैं, ये एक तरीके से समझ लीजिए वो 7 बिंदु वो हैं
जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, भारत में उद्योग निर्माण को बढ़ावा देने के लिए किन किन चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा, उन्हीं सारी चीज़ों को पीएम गतिशक्ति में शामिल किया गया है। और उन ट्रांसपोर्टेशन पर फोकस करने के लिए उन 7 माध्यमों को ध्यान में रख के ये बनाया गया है, जिसमें से पहला है आपका सड़क, दूसरा रेलवे, तीसरा एयरपोर्ट, चौथा पत्तन, चौथा पचवा है आपका सार्वजनिक परिवहन, फिर आपका जल मार्ग और लॉजिस्टिक अवसंरचना। ये सारे याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि ट्रांसपोर्टेशन के जितने भी साधन हैं उन सारे ट्रांसपोर्टेशन के साधनों को बढ़ावा देने के लिए पीएम गतिशक्ति का इस्तेमाल किया गया है या बात कही गई है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ बजट में हमारी, जो भी मैं बात कर रहा था प्राप्तियां और व्यय, और बजट में कितना बजट में फंड एलोकेट करने की बात कही गई है। ठीक है, अगर मैं कुल बजट की बात करूं तो जो आपका कुल बजट है 39.45 लाख करोड़ रुपए आपके बजट एलोकेट करने की बात कही गई है, और जो आपका लास्ट बजट है, लास्ट बजट से 74,909 करोड़ रुपए ज्यादा है। ठीक, लास्ट बजट से मैं बात कर रहा हूं। वहीं पे अगर मैं राजस्व व्यय की बात करूं तो राजस्व व्यय जो आपका 31.94 लाख करोड़, और वहीं जो आपका पूंजीगत व्यय है 75.75 लाख करोड़। मैंने आपको इसीलिए पहले बताया था कि व्यय में एक है राजस्व व्यय और एक है पूंजीगत व्यय। राजस्व व्यय किसी भी सरकार के खर्चों को या उनके दैनिक जीवन के खर्चों को पूरा करने के लिए सरकार राजस्व खर्च करती है, और पूंजीगत निर्माण स्कूल, विद्यालय, हॉस्पिटल, डैम, रोड, ट्रांसपोर्टेशन, इन सारे चीज़ों को निर्माण करने के लिए सरकार पूंजीगत व्यय करती है। किसी भी राज्य के लिए या किसी भी देश के अर्थव्यवस्था के लिए पूंजीगत व्यय अच्छा और लाभदायक माना जाता है। ठीक है, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हम सबसे ज़्यादा खर्चा अपने राजस्व व्यय पर कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ राजस्व व्यय की, तो चूँकि हमारा राजस्व व्यय ऑलरेडी, मैं बात करूँ, ये रॉन्ग डेटा प्रेजेंट कर दिया गया है। अगर मैं पूंजीगत व्यय की बात करूं तो जो आपका ये राजस्व व्यय है आपका, ठीक, राजस्व आय, ये आपका 32 लाख करोड़, और जो आपका पूंजीगत आय है ये 7.5, जो आपका राजस्व पूंजीगत व्यय है ये 7.75 लाख करोड़ की बात कही गई है। वहीं अगर मैं पूंजीगत व्यय की बात करूं तो पूंजीगत व्यय 2020-22 की अपेक्षा 24.75% बढ़ोतरी की बात कही गई है। देखिए, पूंजीगत व्यय में सरकार को खर्च करना चाहिए, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा सरकार, तो आप देखेंगे कि सब्सिडी पे खर्च कर देती है, वेतन में खर्च कर देती है, रक्षा में खर्च कर देती है, क्या कहते हैं, उसके बाद आप देखेंगे कि राज्यों को अनुदान में पैसे खर्च कर दिए जाते हैं, करों का बंटवारे में पैसे खर्च कर दिए जाते हैं, इसके साथ ही आप देखेंगे तो छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप पे पैसे खर्च कर दिए जाते हैं। सो चूंकि हमारा राजस्व खर्च इतना ज़्यादा है कि चूंकि हम अपना पूंजीगत व्यय बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगर मैं वहीं पे कुल प्राप्तियों की बात करूं तो कुल प्राप्तियों में जो सरकार की राजस्व प्राप्ति है ये 22 लाख करोड़ है। ठीक, और इसी के साथ में अगर मैं पूंजीगत प्राप्ति की बात करूं तो 17.7 लाख ये आपका पूंजीगत प्राप्ति है। आप देखेंगे कि सरकार डिसइन्वेस्टमेंट के माध्यम से कितना ज़्यादा फंड रेज करने की कोशिश कर रही है। अगर वहीं मैं बात करूँ राजस्व प्राप्तियाँ की, तो राजस्व प्राप्तियों में आपका कर राजस्व और कर से भिन्न राजस्व, इन दोनों को आपके राजस्व प्राप्तियों में शामिल किया जाता है। इसके साथ ही अगर मैं बात करूँ भारत की ग्रोथ रेट की, तो हमारा बजट कहता है जो भारत का 2022-23 में ग्रोथ रेट रहने वाला है ये 9.27% रहने वाला है। अगर मैं वहीं पे भारत की वृद्धि दर की बात करूं, वही है 9.27%। इसके साथ ही कुछ डेटा है, देखिए मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं कि मैं ऑलरेडी इन्हें एक बार बता सकूं, लेकिन एक इकोनॉमी में अगर आप जाएंगे तो वहां पे ऑलरेडी ये टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं, वहां पे आपको मिल जाएगा। इवन मुझे अगर नेक्स्ट टाइम टाइम मिलता है किसी दिन, तो मैं ट्राई करूंगा कि संडे के दिन ऑलरेडी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमी की, वो मैं आप तक जरूर डिलीवर करूं। ठीक है, तो भारत का जो राजस्व घाटा है बजट में, सरकार कह रही है हमारा 3.8% राजस्व घाटा है, प्रभावी राजस्व घाटा 2.6%, राजकोषीय घाटा 6.4% और प्राथमिक घाटा 2.8%। उससे भी कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, ये चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
लिटरली अभी उतना टाइम नहीं कि मैं एक एक को बता सकूं, लेकिन फिर भी मैं शॉर्ट टर्म में यहाँ पे आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे क्या इन चीज़ों में देखा जाता है। अगर मैं राजस्व घाटे की बात करूँ तो राजस्व घाटा में सीधा सा मतलब है सरकार के कुल पैसा, मतलब कुल आय और कुल व्यय, कुल आय और कुल व्यय के बीच का जो अंतर होता है उस सरकार का राजस्व घाटा कहलाता है। घाटा हो भी सकता है या अधिक हो सकता है, संतुलित हो सकता है। देखिए, अगर आय और व्यय बराबर हैं तो आपका जो राजस्व होगा वो संतुलित होगा। अगर आपकी आय कम है, आपकी व्यय ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि फिर आपका बजट घाटे का होगा और आपका राजस्व घाटा बनेगा ही बनेगा। हमारे यहाँ भी वही चीज़ देखने को मिलता है कि हमारे यहाँ हमारी आय तो कम है, मतलब हमारी प्राप्तियाँ तो कम हैं, ठीक, हमारी आय कम है, और अगर मैं बात करूं हमारे व्यय की तो हमारा व्यय ज़्यादा है, और इन्हीं के बीच का जो अंतर है वो राजस्व घाटा कहलाता है। प्रभावी राजस्व घाटे का मतलब यह है कि राजस्व घाटा और अनुदान, अगर राजस्व घाटे में से जो हमारा कुल घाटा है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि हमें 100 रुपये मिला और हमारा खर्चा 120 का है, तो 20 रुपये हमारा राजस्व घाटा हो गया, और इस राजस्व घाटे में से हम कितना अनुदान दे रहे हैं, अगर उन अनुदानों को हम माइनस कर दें, मान लीजिए अनुदान हमने दिया 5 रुपये, तो जो हमारा प्राथमिक राजस्व घाटा है वो निकल के आता है 15 रुपये, और ये 15 रुपये ही हमारा वास्तविक घाटे के तौर पर एक तरीके से देखा जाता है, ठीक। अगर मैं राजकोषीय घाटे की बात करूं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, राजकोषीय घाटे में जब अपने कुल राजस्व खर्च में से गैर ऋण प्राप्तियों को माइनस कर दें तो हमारा राजकोषीय घाटा निकल के आता है। गैर ऋण प्राप्तियां क्या होती हैं? गैर ऋण प्राप्तियों में आप देखेंगे तो एक तरीके का जो डिसइन्वेस्टमेंट है, डिसइन्वेस्टमेंट भी आपका गैर ऋण प्राप्तियों में माना जाता है। अगर मैं बात करूँ ब्याज की प्राप्ति की, तो ब्याज की प्राप्तियां भी आपका गैर ऋण में माना जाता है। अगर आप देखेंगे किसी प्रकार का कोई जुर्माना है, तो जुर्माना भी गैर ऋण प्राप्ति माना जाता है। हालांकि गैर ऋण प्राप्तियों में और भी चीज़ें हैं, अभी उतना टाइम लिटरली नहीं है कि मैं ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कशन करूँ, बट यकीनन हाँ कि ये है कि मैं आगे ज़रूर एक बार डिस्कशन करने की कोशिश करूँगा। ओके, सो ये चीज़ें हैं। इसी के साथ ही में आपका आता है प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा का सीधा सा मतलब है कि राजकोषीय घाटा में आपने ब्याज का भुगतान कितना किया है। देखिए, सरकारें सामान्यतः कहते आती हैं कि हमारा राजकोषीय घाटा इसलिए ज़्यादा बढ़ रहा है क्योंकि पिछली सरकारों ने इतना कर्ज ले रखा है कि उनके ब्याज की अदायगी भी हम ही को करना पड़ता है, ठीक। तो सरकार कहती है कि फिर सिंपल सा है कि राजकोषीय घाटा में से जो ऋण की ब्याज की अदायगी है उसे माइनस कर दो, जो निकल के आएगा वो आपका प्राथमिक घाटा कहलाता है, ठीक। इसीलिए आप देखेंगे कि भारत सरकार कहती है कि राजस्व प्राथमिक घाटा है उसे धीरे धीरे कैसे भी करके कम किया जाए, ठीक। इसी के साथ देखेंगे भारत में जो सबसे ज्यादा अभी इस बजट में सबसे ज्यादा खर्च करने की बात कही गई है कि भारत में अगर 100 रुपये आ रहे हैं तो उन 100 रुपये में सबसे ज्यादा खर्च कहाँ पे सरकार कर रही है, तो उनमें सबसे ज्यादा जो सरकार का खर्च करने का मद है वो ब्याज की अदायगी है। 23.8 यानी 24 रुपये सरकार ब्याज की अदायगी पे खर्च करता है। ये गवर्नमेंट का डेटा है, मेरा नहीं है, ठीक। आप देखेंगे तो सरकार अपने घाटे को कम करने के लिए, अपने वित्तीय घाटे को कम करने के लिए और अपने बचत को बढ़ाने के लिए सरकार सब्सिडी पे कटौती करने की बात कर रही है, और जो सबसे ज़्यादा कटौती करने की सरकार बात कर रही है वो खाद्य सब्सिडी पे कर रही है। कि सरकार अभी तक जितने भी सब्सिडी दे रही थी खाद्य पे, उसमें 28% की कटौती करने का प्रस्ताव सरकार रख रही है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, अगर मैं वही कटौती की बात करूँ तो कटौती में आप देखेंगे कि खाद्य पर 27.59 वही 28%, उर्वरक पे 25% और पेट्रोलियम पे 10.76% सरकार कटौती करने की बात कर रही है, और सरकार का जो कुल खर्च का 10% सब्सिडी पे खर्च करती है उसमें भी सरकार कटौती करने की बात कर रही है। अगर सरकार इन सारी चीज़ों में कटौती करती है तो जाहिर सी बात है कि जो सरकार का घाटा है वो कुछ मायने में धीरे धीरे कुछ ना कुछ ज़रूर कम होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, आगे देखते हैं। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो सरकार अपने बजट में आपका ध्यान आकर्षित करती है, उन चीज़ों पर एक बार हम देखते हैं। सरकार सड़क एवं परिवहन पे कह रही है कि 2022 और 23 में
25,000 किलोमीटर का विस्तार किया जाएगा, और वहीं सरकारी जो समितियां हैं मैट पर 18.5% उनसे वसूला जाएगा। मैट क्या होता है एक बार थोड़ा सा मैं आपको ये बता देता हूं। मैट देखिए, आपने सुना होगा निगम कर, क्या सुना है आपने निगम कर। निगम कर क्या होता है? कंपनी की आय पर, ठीक, कंपनी के आय पर या कंपनी की जो प्राप्तियां होती हैं, जो उसका लाभ होता है, कंपनी के लाभ पर बेसिकली जो टैक्स गवर्नमेंट लगाती है, वो एक तरीके से देखा जाए वो तो कॉरपोरेट टैक्स है, निगम कर होता है। साधारण शब्द में समझिए कि निगम या कंपनियों पर जो उनके प्रॉफिट टैक्स लाभ होता है, उस पर जो सरकार टैक्स लगाती है वो निगम कर होता है। अब देखिए, निगम कर में जो इनका लाभ है, लाभ में सरकारें क्या करती हैं कि सरकारें अपने खर्चे को इतना ज्यादा दिखा देती हैं, जैसे ब्याज की, जैसे एक तरीके से जो डिविडेंड यानी लाभांश हो गया, उसके बाद में ह्रास मूल्य या अन्य खर्चे। सरकार अपने लाभ में से अपने खर्चे को इतना दिखा देती है कि या तो उसका जो प्रॉफिटेबल टैक्स है, ठीक, जो उसका टैक्स होता है, या तो वह शून्य हो जाता है या कम हो जाता है, ठीक। अब थोड़ी सी बात है, अगर सारे खर्चों को निकालने के बाद में जो उसका नेट प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट पे ही जो टैक्स होता है वो आपका निगम कर होता है। फिर से समझिए, कंपनी के निवल लाभ पर लगने वाला जो कर होता है वह निगम कर कहलाता है, और कंपनियों का जो कुल लाभ होता है इसको बोलते हैं बुक प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? बुक प्रॉफिट। अब कंपनियां क्या करती हैं, टैक्स को बचाने के लिए अपने बुक प्रॉफिट में अपने खर्चे को इतना बढ़ा चढ़ा के दिखा देती हैं कि उनका जो नेट प्रॉफिट है, दो वर्ड में यूज कर रहा हूं, एक है बुक प्रॉफिट और एक है नेट प्रॉफिट। बुक प्रॉफिट जो कंपनियां बुक करती हैं, उन बुक प्रॉफिट में कंपनियां अपने खर्चे को इतना बढ़ा चढ़ा के दिखा देती हैं कि लाभांश दिखा दी, ह्रास मूल्य दिखा दी, अन्य खर्चे, कि उनका नेट प्रॉफिट या तो जीरो हो जाए या कम हो जाए। अब जब आपका नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है फिर आपको निगम कर भी कम देना पड़ेगा। ऐसे सिचुएशन में सरकार ने कहा कि देखो बच्चा, एक काम सीधा करो कि इस पर हमें तो अब तुम कुछ मत दो, अब एक काम करो कि तुम्हारे लिए एक नया चीज मैं लेकर आगे आता हूं, और वो लेकर के मैं आता हूं मैट। इसको बोलते हैं मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। मैट में सरकार ने कहा देखो बच्चा, बुक प्रॉफिट या तो अपने नेट प्रॉफिट, इन दोनों में जो भी ज्यादा होगा उसका तुम्हें 18.5% देना होगा। क्लियर है? सरकार ने कहा कि अगर तुम अपने नेट प्रॉफिट को जीरो कर रहे हो या कम कर रहे हो तो हमें से कोई मतलब नहीं है, हमें इतना सा मतलब है या तो बुक प्रॉफिट या तो नेट प्रॉफिट, दोनों में से जो ज्यादा होगा उस पर हम तुमसे 18.5% मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स लेंगे, ठीक है, मैट लेंगे। बाद में अभी इस बजट में यही कहा गया है कि जो यहाँ पे समितियाँ हैं, सरकारी समितियाँ हैं, वो सारी सरकारी समितियाँ मैट को 18% और इन्हें कम करके 15% लाया गया है। कंपनियों के साथ ही जो सहकारी समितियां हैं इन्हें भी इन्हीं के साथ में टैक्स देने की बात सरकार कह रही है, और यही है आपका मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स जो कि मैंने आपको यहां बताया है। जो पेंशन के लिए जो पेंशन धारक हैं उनमें कटौती की भी बात कही है जो 14% का है। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की बात सरकार कर रही है जिसके लेन देन पर होने वाली आय पर 30% का टैक्स आपसे लगाया जाएगा। अगर वही मैं बात करूं इक्विटी शेयर पर, तो इक्विटी शेयर पर जो दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ है
उस पर 15% सरचार्ज लगाया जाएगा। ये क्या होगा, जब आप अगर इकोनॉमी पढ़ी है तो इकोनॉमी में एक टॉपिक आपने पढ़ा होगा कैपिटल मार्केट, और जब आपने कैपिटल मार्केट पढ़ा है तो कैपिटल मार्केट में ही आपने देखा होगा कि शेयर मार्केट, और शेयर मार्केट में ही आपने इक्विटी पढ़ा होगा, IPO पढ़ा होगा, PFO पढ़ा होगा, ये सारी चीज़ें टर्म्स ऑलरेडी आपने वहाँ पर देखा होगा, और जो वहाँ से पूंजीगत लाभ होता है उस पर सरकार बात कर रही है। ठीक, इसी के साथ में सरकार कह रही जो अन्य पूंजीगत दीर्घकालिक लाभ है उस पर भी 15% सरकार आपसे टैक्स लेगी। सरकार एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लेके आ रही है कि जो मिश्रित पेट्रोल को बढ़ावा देने हेतु गैर मिश्रित पेट्रोल पर सरकार अतिरिक्त रूप से 2 रुपये प्रति लीटर शुल्क बढ़ाने की बात कर रही है। मतलब ये है कि जो पेट्रोल है, पेट्रोल में सरकार चाहती है कि एथेनॉल को बढ़ावा दिया जाए। ठीक, यही रीज़न है अभी आज का बजट में, हालांकि तो मैं बजट आपको बता रहा हूँ, अभी कल का रिपोर्ट आया है कि इस बार फिर से उत्तर प्रदेश चीनी उत्पादन में 2 नंबर पर है, पहले स्थान पर महाराष्ट्र का नाम आता है। महाराष्ट्र इसलिए है क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे चीनी का उत्पादन ज़्यादा है, और यूपी में चीनी के उत्पादन को कम किया जा रहा है। यूपी में बहुत सारे ऐसे शुगर मिल है जहाँ पे एथेनॉल को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसमें से आपका मिर्जापुर प्लांट एक है जहाँ पर पूरी तरीके से चीनी की बजाय एथेनॉल के बनाने पर ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। वहीं मैं 2022-23 की बात करूं तो 2022-23 में 4 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना करने की बात कही है, जो PPP मॉडल के आधार पर पब्लिक पावर और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर विकसित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे अगर मैं थोड़ा सा रेल की बात करूं तो सरकार कह रही है कि रेल में हम वन स्टेशन वन प्रोडक्ट को बढ़ावा देंगे। साथ ही साथ सरकार कह रही है कि रेल दुर्घटना सुरक्षा को बढ़ाने के लिए और रेल दुर्घटना को कम करने के लिए कवच तकनीकी का प्रयोग किया जाएगा। इसके साथ ही सरकार कह रही है कि अगले 3 वर्षों में 400 नई वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी। साथ ही साथ 3 वर्षों में 100 प्रधानमंत्री गति शक्ति कार्गो टर्मिनल को विकसित किया जाएगा। साथ ही साथ में रोपवे भी सरकार बढ़ावा देने की बात कर रही है। सरकार कह रही है कि रोपवे को भी हम PPP मॉडल के आधार पर विकसित करेंगे। साथ ही कह रही है कि 60 किलोमीटर लंबी व 8 रोपवे परियोजनाओं को लागू करने की सरकार बात कह रही है। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ में अगर मैं कृषि पर थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करूं आपका, तो सरकार कह रही है कि जो रसायन मुक्त खेती है, जो एग्रीकल्चर है, उसमें जो हम केमिकल्स का उपयोग कर रहे हैं उन्हें धीरे धीरे कम किया जाए, और इन्हें कम करने के साथ ही सरकार कह रही है कि गंगा नदी के किनारे 5 किलोमीटर का जो कॉरिडोर है, उन कॉरिडोर में आने वाले किसानों पर फोकस किया जाएगा, और इन एरियाओं को सरकार ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए प्रमोट करेगी। ये चीज़ें हैं। इसके साथ ही आप देखेंगे कि सरकार किसान ड्रोन को बढ़ावा देने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है। हालांकि ड्रोन टेक्नोलॉजी और नैनो यूरिया पे ऑलरेडी मैं आपको डेटा डिलीवर करने वाला हूँ। ठीक है, सो आप देखेंगे कि सरकार बहुत ज़्यादा ड्रोन टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है और कोशिश कर रही है कि कृषि के क्षेत्र में कैसे ड्रोन तकनीकी को लाया जाए जिससे कि कृषि में होने वाले उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, सरकार ने इसके लिए 18 फरवरी 2022 को 10 किसान ड्रोनों का भी उद्घाटन किया, सॉरी 100 किसान ड्रोन का भी उद्घाटन किया है। साथ ही साथ में सिंचाई परियोजना को बढ़ावा देने के लिए सरकार केन बेतवा लिंक परियोजना को भी एक दूसरे से मर्ज करके इनका भी इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रही है। साथ ही सिंचाई के लिए सरकार 103 मेगावाट हाइड्रो प्रोजेक्ट और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन करने की बात कर रही है, जिससे कि एग्रीकल्चर में जो इनका इनपुट कास्ट है, एग्रीकल्चर में इनपुट कास्ट को कम किया जा सके और आउटपुट कास्ट को बढ़ावा दिया जा सके, जिससे कि किसानों की आय को दुगुना करने का जो लक्ष्य है वो यथाशीघ्र प्राप्त किया जा सके। इसी के साथ में आप देखेंगे कि बेतवा भिन्न परियोजनाओं के जोड़ने के लिए सरकार 20 सदस्यीय संचालन समिति के गठन करने की भी बात कही है। इसके साथ ही में अगर आप देखेंगे तो केन बेतवा के साथ साथ में नर्मदा ताप्ती परियोजना, गोदावरी कृष्णा परियोजना, कृष्णा पेन्नार और पेन्नार कावेरी, इन चारों लिंक परियोजनाओं पर सरकार बात कर रही है कि इनको भी प्रमोट किया जाए और कृषि में सिंचाई साधनों का बढ़ावा दिया जा सके, क्योंकि आपको भी पता है कि जो भारतीय कृषि है ये पूरी तरीके से हम कहीं ना कहीं मानसून पर आधारित है। यही रीज़न है कि भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है।
ठीक है। सो ये चीजें हैं। सरकार रैम के अंडर, मतलब रैम का मतलब है राइजिंग एंड एक्सेलरेशन एमएसएमई परफॉर्मेंस, इसके अंतर्गत सरकार कर क्या रही है कि 6,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी इसके प्रमोशन के लिए, मतलब प्रमोट करने के लिए। साथ ही साथ में अगर मैं बात करूं तो सरकार ऑनलाइन प्रशिक्षण के माध्यम से नागरिकों के कौशल सशक्तिकरण के लिए डिस एप पोर्टल और डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किल एंड लाइवलीहुड के प्रयोग कर या इंप्लीमेंट करने की बात कर रही है। देखिए सरकार ऑलरेडी जब से पीएम गवर्नमेंट पहली वाली आई है, सो भारत में कौशल विकास योजना और कौशल विकास के साथ ही साथ में आप देखेंगे तो डिजिटल इंडिया और डिजिटल के साथ ही साथ आप देखेंगे तो मेकिंग इंडिया कार्यक्रम को प्रमोट कर रही है, जिससे भारत में विनिर्माण को बढ़ावा दिया जा सके और यहाँ पे जो हमारे लघु उद्योग हैं या लघु के साथ में जो स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं उन्हें भी प्रमोट किया जा सके, जिससे कि भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग है उन्हें बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, तो ये चीजें हैं। इसी के साथ अगर आप देखेंगे शिक्षा पर, तो शिक्षा पर प्रधानमंत्री विद्या के लिए आप देखेंगे कि क्या कितने खर्चे हैं। मैं बात करूं तो प्रधानमंत्री ने कक्षा 1 से 12 के लिए एक टीवी चैनल के तहत 12 तक 2000 टीवी चैनलों का विस्तार करेगी और इसके माध्यम से गवर्नमेंट डिजिटल एजुकेशन को प्रमोट करेगी, जिससे कि दूर दराज के इलाकों में भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षाओं का बढ़ावा दिया जा सके और भारत में सामाजिक आर्थिक विकास के लक्ष्यों को हासिल किया जा सके। ठीक है, इसी के साथ आप देखेंगे इसमें कक्षा 1 से 12 तक सभी विद्यार्थियों को क्षेत्रीय भाषाओं में पूरक शिक्षा देने की बात कही गई है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो 75 कौशल योजनाओं में ई प्रयोगशालाएं स्थापित करने की बात कर रही है सरकार इस बजट में। इसी के साथ आप देखेंगे पूर्वोत्तर विकास में, तो पूर्वोत्तर विकास में गवर्नमेंट पीएम डिवाइन योजना को लेकर आ रही है। डिवाइन का मतलब है डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्ट, इंडियन नॉर्थ ईस्ट रीजन। ठीक, इसके लिए सरकार 15,000 करोड़ रुपए खर्च करने का बात करती है। 2023 को सरकार ने, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि सरकार ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न वर्ष घोषित करने की बात कही गई है आपके इस बजट में। इसके साथ ही अगर मैं कुछ अन्य मुद्दों को देखूं तो अन्य मुद्दों में 2022-23 में डिजिटल करेंसी की शुरुआत करने के लिए RBI ने कहा है और इसकी शुरुआत भी RBI कर रही है। आप देखेंगे जो 1.5 लाख भारत में डाकघर हैं उन डाकघरों को कोर बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा जाएगा। अगर मैं डाकघर की बात करूं तो डाकघर जो है आपके ये शाखा के आधार पर, अगर मैं बात करूं शाखा के आधार पर तो भारत की सबसे बड़ी, एक तरीके से देखा जाए तो ये पेमेंट सिस्टम माना जाता है। पेमेंट सिस्टम का मतलब ये है कि जो स्मॉल फिनेंस बैंक है, इन स्मॉल फिनेंस बैंक में सबसे पहला जो है आपका एयरटेल है और एयरटेल के बाद में आपका है, आपका सबसे बड़ा की मैं बात करूं तो आपका भारतीय डाकघर है। तो डाकघर, इन भारतीय डाकघरों को सरकार कोर बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने की बात कर रही है। कोर बैंकिंग का मतलब यह होता है कि पूरे भारत में किसी भी डाकघर से किसी भी प्रकार की आप जो फाइनेंसिंग है या बैंकिंग लेन देन है, बैंकिंग सर्विसेज को आप ले सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके साथ ही सरकार ने कुछ अन्य घोषणाएं भी की हैं। जैसे सरकार RBI कह रही है कि डिजिटल करेंसी को हम लॉन्च करेंगे, डिजिटल इन्वेस्टीज को लॉन्च करने की सरकार बात कर रही है, वहीं डिजिटल बैंक की बात कर रही है। आज़ादी के 75 वर्ष के साथ ही आप देखेंगे तो 75 जिलों में डिजिटल बैंकों की स्थापना करने की सरकार बात कर रही है, जो मैंने आपको ऊपर बताया है। सरकार कह रही है कि 2023 तक स्थापित सौर विद्युत ऊर्जा को 280 गीगावाट तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही साथ में अगर मैं बात करूं वर्चुअल डिजिटल संपत्ति की, तो सरकार जो वर्चुअल डिजिटल आपके एसेट्स हैं उस पर जो टैक्स है वो 30% करने की बात कही है। इसी के साथ ही सरकार कह रही है कि जो हमारा डिजिटल करेंसी होगा वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के आधार पर किया जाएगा और इसके लिए RBI 2023 में लेकर के आएगी। देखिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, आपका जो बिटकॉइन है, बिटकॉइन भी आपका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर ही आधारित है। इसके साथ ही सरकार कह रही है कि 5G की नीलामी 2022-23 में करने का प्रावधान किया गया है। साथ ही आप देखेंगे कि 2025 तक सभी गांवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़े जाने की बात कही गई है। ठीक है, ये चीज़ें थोड़ा सा जो आगे भी देख लेते हैं। देखिए अभी तक जो मुख्य प्रावधान थे बजट में वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत करने की पूरी कोशिश की है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा जानने की ज़रूरत है। जैसे कभी कभी सरकार के कमीशन आपसे पूछ लेती है
कि भारत सरकार के जो खर्च हैं उन खर्च के जो मत हैं उन मतों को सीक्वेंस में लगाने की बात आपसे कही जाती है, तो मत में नंबर एक, नंबर दो और नंबर तीन इस सीक्वेंस में पूछता कि सरकार अपने सबसे ज़्यादा खर्चे कहाँ से करती है। तो अगर मैं बात करूँ गोस की, तो गोस का मतलब है कि सरकार के पैसे कहाँ खर्च होते हैं। अगर मैं कम्स की बात करूँ तो सरकार के पैसे कहाँ से आते हैं। अगर आप देखेंगे कि सरकार सबसे ज़्यादा पैसे कहाँ खर्च करती है, तो मैंने आपको बताया था कि सरकार अपने पैसे लगभग 20% के आसपास आप देखेंगे तो ये ब्याज के भुगतान में करता है। हालांकि बजट में ये 23% या 23.5% या 24% यानी 29 अप्रॉक्स में राउंड फिगर में 24% की बात कही गई है। चूंकि ये डेटा है इसीलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि अनुमान है, कि एक अनुमान के आधार पे सरकार का अगर 100 पैसा आता है तो उन 100 पैसों में सरकार अपना 20 पैसा ब्याज के भुगतान में करता है, 17 पैसा राज्यों का जो कर का हस्तांतरण होता है उसमें सरकार करता है। इसी के साथ आप देखेंगे जो सेंट्रल स्कीम है, जो सरकार की स्कीम है जिसमें भारत की सरकार है, वो आर्थिक सामाजिक विकास के लिए बहुत सारी नीतियां लेकर आती हैं। उन नीतियों में आप देखेंगे तो तीसरे नंबर पे खर्च करती है। इसके साथ आप देखेंगे तो फिनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफॉर्म्स पे भी देखेंगे तो 10% खर्च करने की सरकार बात करती है। साथ ही साथ 8% डिफेंस पर और अन्य जो परसेंटेज है वो आपके सामने है। सेम है कहाँ से पैसा सरकार के आते हैं, तो आप देखेंगे जो सरकार के सबसे ज़्यादा आता है वो उधारी और जो उसके अन्य देयता है वहाँ से सरकार अपने 35% आते हैं। और इससे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा सरकार के पैसे आते हैं कॉरपोरेट टैक्स और कॉरपोरेट के साथ में इनकम टैक्स। ठीक, इन तीनों चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे कि सरकार के ये आने के सोर्स हैं और ये सरकार के खर्च करने के सोर्स हैं। कुछ चीज़ें आगे देख लेते हैं। देखिए, जो अभी तक मैंने आपको बताया ये ऑलरेडी एक पीडीएफ के फॉर्मेट में यहाँ तक मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ, सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये ऑलरेडी परीक्षा प्लस के टेलीग्राम चैनल पे अपडेट किया जा चुका है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सो इसी के साथ ही मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, ये पेज है। इसी के साथ में सरकार अर्थव्यवस्था में सतत जो खर्चे किए जा रहे हैं उन खर्चों का एक ट्रेंड कैसा है वो आपके सामने है। इसी के साथ में पीएम गति शक्ति योजनाओं के बारे में बताया गया है। इसी के साथ में कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण के बारे में जो ऑलरेडी मैं आपको बात आ चुका हूँ ये शॉर्ट फॉर्म में है। इसी के साथ में अगर आप देखेंगे तो शिक्षा पे क्या खर्च किया गया, स्वास्थ्य पे क्या खर्च है, सभी समावेशी कल्याणों पर ध्यान संकेंद्रण करने के सरकार कौन कौन से नियम ला रही है, कौन कौन से बातें कर रही है, ये चीज़ें ऑलरेडी है। उत्पादन संवर्धन एवं निवेश के लिए सरकार क्या कर रही है, इसी के साथ अगर आप देखेंगे तो निवेश एवं वित्त पोषण के लिए सरकार किन किन चीज़ों की बात करती है वो चीज़ें हैं। इसी के साथ जो टैक्स में है कि टैक्स सरकार कैसे उनका संकेंद्रण करेगी, कैसे खर्चे किए जाएंगे, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आपको यहाँ मिल जाएगा। सरकार का रुपए का आगमन कितने खर्चे होते हैं मैंने आपको पहले ही बताया, वो चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी के साथ ही आप अगर देखेंगे तो बजट पूरा एक नज़र में बताया गया है कि आपका रेवेन्यू रिसिट क्या है, आपका कैपिटल रिसिट क्या है, आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है और आपका इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है। ये एक डायग्राम में बाई चार्ट में आपको दिखाने की कोशिश किया गया है जिससे कि समझना आपके लिए आसान हो जाए। प्रमुख योजनाओं पर जो सरकार खर्च कर रही वो क्या है, नेशनल हेल्थ मिशन पर सरकार कितने खर्च कर रही है, जल जीवन मिशन पर कितने खर्च कर रही है, नेशनल एजुकेशन मिशन है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, पीएम किसान योजना, इसके बाद में आप देखेंगे तो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना और प्रधानमंत्री स्वच्छ योजना, ये सारी चीज़ें योजनाएं हैं। उन पे भी आप देखेंगे कि मंत्रालय वाइज सरकार कैसे कैसे किन मंत्रालयों पे कैसे खर्च करने का प्रोविजंस की है, तो इन सारी चीज़ों को आप देखेंगे। ऑलरेडी मैंने बता दिया है इसलिए यहाँ पर मैं उतना ज़्यादा आपका टाइम नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें थी, इनके पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिए जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर इन पॉइंट्स को आप नोट भी कर लेते हैं तो लगभग सारी चीजें आपकी कवर हो जाती हैं। ठीक है, सो आप इसे पढ़ते रहिए, कवर करते रहिए। और इससे पहले अगर आपने यूपी बजट नहीं देखा है तो उसे भी आप एक बार कवर कर लीजिए। फॉरेक्स रिपोर्ट भी मैंने आपको डिलीवर कर दिया है, ये आपका यूनियन बजट है। एंड नेक्स्ट टॉपिक में जो मैं आपको तक डिलीवर करने वाला हूं वो यूनियन इकोनॉमिक सर्वे है। सो ये चारों चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी तो यकीन मानिए कि आपकी तैयारी एक अच्छे लेवल पे कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, चलिए फिर इसी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।